नमो नमः। आज हम दशमी कक्षा के द्वितीय पाठ जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। ये दूसरा पाठ है। यह कथा सुख सप्तती में प्राप्त होता है। ये सुख सप्तती किसने लिखा है, कैसे लिखा है, इस विषय में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत कंट्रावर्शियल है। इस कथा में वस्तुतः एक सुख और एक सारिका कथाएं कहती हैं। तो इस प्रकार से यह सुख सप्तती ही पुस्तक से लिया हुआ ये कथा कैसा है और इसमें क्या आनंद है, ये तो कथा के अंदर प्रवेश करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। अस्ति है देउलाख्यो ग्रामः। देउलाख्य देउला नाम का, ग्रामः गांव। यहाँ पर देउलाख्य और ग्राम में विसर्ग संधि है। एक देउला नाम का गाँव है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। यहाँ पर देखो तत्र यानी वहाँ राजसिंहः, राजसिंह नाम नाम वाला राजपुत्रः राजा का बेटा वसति रहता स्म था, रहता था यानी वहां पर एक राजा का बेटा रहता था। तो राजा का बेटा राजपुत्र का मतलब यहाँ पर क्षत्रिय भी होता है, क्षत्रिय होना चाहिए। एकदा एक दिन की बात है। केनापि, केन अपि यहाँ भी सवर्ण दीर्घ संधि है। किसी आवश्यक कार्य से, आवश्यक कार्यण तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती, बुद्धिमती नाम की पुत्र द्वयोपेता दो पुत्रों के साथ पितुर गृहम प्रति पिताजी के घर की ओर चलिता चली, यानी वो अपने मायके की ओर अपने दो लड़कों को लेकर चल पड़ी। मार्गे, मार्ग में गहन कानने घने जंगल में सा उसने यानी उस बुद्धिमती ने एकम एक व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखा। उसने घने जंगल में एक बाघ को देखा। सा उस बुद्धिमती ने व्याघ्रम बाघ आगच्छन्तम आते हुए दृष्ट्वा देखकर धार्ष्ट्यात दृष्टता पूर्वक, दृष्टता कहते हैं बड़ी ढिठाई के साथ, पुत्रों दोनों बेटों को चपेटया चाटा से प्रहृत्य मारकर जगाद बोली। उस बाघ को आते हुए देखकर अपने दोनों बेटों को चाटा लगाया एक एक और बोली, क्या बोली देखते हैं। कथम एकैकसो, कथम एक एकसह, यहाँ पर तीन शब्द हैं। देखो कथम एक एकसह, कथम और एक में तो संधि नहीं है, यहाँ पर तो संयोग है। एकैकसह यहाँ पर वृद्धि संधि है। एक एक करके यानी कथम कैसे, एक एक करके यानी वो ये कहना चाहती है कि एक एक बच्चा एक बुरे बाघ को खाना चाहता है, कहने का मतलब ये है। व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम, कलह झगड़ा कुरुथा करते हो, यानी तुम एक अकेला ही एक बाघ को खाऊंगा ऐसा क्यों कह रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो, ऐसा कहकर उसने जोर से चांटा मारा और जोर से ये बात कही। अयम एक तावद विभज्य भुज्यताम, अयम यह बाघ एक एक है तावद जब तक विभज्य भुज्यताम, विभज्य यानी बांटकर भुज्यताम खाओ, यानी जब तक दूसरा नहीं मिलेगा तब तक आप इस एक बाघ को आपस में बांटकर खाओ। पश्चात फिर बाद में अन्य कोई द्वितीय दूसरा कश्चित लक्ष्यते, कश्चित लक्ष्यते यहाँ पर कश्चित लक्ष्यते व्यंजन संधि है, कोई और मिल जाएगा फिर बाद में, कोई फिर मिल जाएगा तो तुम फिर खा लेना, यानी आप मैं पूरे बाघ को खाऊंगा, मैं पूरे बाघ को खाऊंगा, ऐसा एक ही कसह शब्द का अभिप्राय है। बाघ को ऐसा लगे इसलिए उसने बच्चों को चाटा मारा। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, ऐसा किसने सुना, बाघ ने सुना, सुनकर बाघ ने ऐसा सुना तो व्याघ्र मारी, व्याघ्र मारी यानी बाघ मारने वाली, काचित इयम इति कोई है यह ऐसा मत्वा मानकर व्याघ्रो बाघ भयाकुल चित्त, भयाकुल यानी भय से आकुल व्याकुल चित्त वाला होकर नष्ट लुप्त हो गया, गायब हो गया वहां से, वो रास्ते से आ रहा था, ऐसे आपस में एकदम अचानक मिलना हुआ। उस समय में उस बुद्धिमती नाम की महिला ने बड़े विवेक पूर्वक बच्चों को ही चांटा मारा क्योंकि बाघ को, उस शेर को या बाघ को तो मार नहीं सकती थी क्योंकि वो तो बहुत भयंकर जीव है, लेकिन अपनी बुद्धि से उसने ऐसा तरकीब निकाला कि दोनों बच्चों को मारकर कहने लगी कि एक एक बाघ को खाने के लिए, एक एक अकेला ही खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, अभी तो एक मिला है, इसी एक को दोनों बांट के खा लो, बाद में कोई दूसरा मिलेगा तब फिर खा लेना।
ऐसा कहकर बच्चों को कहते हुए दिखाकर बाघ को सुनाया। बाघ डर गया, उसको लगा कि ये बाघ मारी है और बाघ वहां से गायब हो गया। तो आगे एक श्लोक है, देखो, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। देखो, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से विमुक्ता मुक्त हो गई, सा यानी वह महिला भयाद भय से व्याघ्रस्य बाघ के, भामिनी सुंदर महिला, अन्योपि अन्य अपि यहाँ पर भी एक संधि है, और कोई दूसरा भी बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान लोके बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में क्या करता है, मुच्यते मुक्त हो जाता है महतो महान भयात भय से। देखो, अगर कोई भी और बुद्धिमान व्यक्ति इसी प्रकार कोई तरकीब लगाए, कोई बुद्धि कोई विवेक से निर्णय ले तो बड़े से बड़े संकट से पार हो सकता है। आगे देखते हैं, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा डरे हुए बाघ को देख कर कश्चित धूर्तः कोई धूर्त श्रीगालः सियार हसन हसता हुआ आह बोला, हसन नाह। यहाँ पर भी संधि हुई है, संधि यहाँ पर द्वित्व संधि हो गई है, न एक था दो बार हो गया, हसन नाह। अब कोई हसता हुआ सियार बोला तो भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहां से भय के कारण डरते हुए पलायितः भाग रहे हो। व्याघ्रः बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक जाओ जाओ सियार त्वमपि तुम भी किंचित किसी गूढ़ प्रदेशम किसी गुप्त स्थान की ओर तुम भी चले जाओ। डरा हुआ बाघ बोला, ये तो यतः क्योंकि व्याघ्रमारी इति, व्याघ्रमारी इति यहाँ भी क्या है, सवर्ण दीर्घ संधि है, बाघ मारने वाली या शास्त्रे श्रूयते जो किताबों में हमने पढ़ा है शास्त्रों में सुना है, तया अहम हंतुम आरब्ध उस बाघ मारी के द्वारा, तया का मतलब उसके द्वारा, उस बाघमारी के द्वारा अहम मैं हंतुम आरब्ध मारने के लिए शुरू किया गया था, उसने मुझे मारने शुरू किया, ऐसा सरल भाषा में हो सकता है। परम गृहीत कर जीवितो किंतु गृहीत कर जीवित, हाथ में प्राण लेना, गृहीत लिया हुआ कर यानी हाथ में जीवित यानी प्राण, गृहीत कर जीवित हाथ में प्राण लेकर नष्ट, नष्ट यानी वहां से लुप्त हो गया और शीघ्रम तदग्रतः, नष्ट शीघ्रम तदग्रतः उसके आगे से यानी उस स्त्री के आगे से मैं बहुत जल्दी से भाग गया, लुप्त हो गया और मैंने अपनी जान को बचाई। श्रीगालः सियार बोला, व्याघ्र तो यह महत् कौतुकम आवेदितम, अरे बाघ तुमने तो बड़े अचरज की बात बताई, कौतुक की बात बताई, यत मानुषात अपि विभेषी जो तुम मनुष्य से भी मनुष्य संबंधित, उसको मानुषात कहते हैं यानी तुम मनुष्य संबंधित है, उसमें भी एक स्त्री है एक औरत है, उस स्त्री से भी डरते हो। सियार ने उस लोमड़ी ने उसके अंदर एक ताकत जगा दी, लेकिन बाघ अभी भी डरा हुआ ही है। व्याघ्र बाघ बोला, प्रत्यक्षम मया मैंने अपनी आंखों से सात्म पुत्र अपने दोनों बेटों को एक ही कसह, देखो यहाँ पर संधि है सातम पुत्र, यहाँ पर अयादि संधि है, औ को आव आदेश हो गया है इसलिए सातम पुत्रा बेकई कसो हो गया है, एक एकसह यहाँ भी संधि हो सकती है, एक एकसह एक एक यानी एक बच्चा एक बाघ को पूरा खाने के लिए लड़ते हुए, सातम पुत्रा बेकई कसो अपने दोनों पुत्रों को माम अतुम मुझको खाने के लिए कलहाय मानव झगड़ा करते हुए को चपेट या चाटे से प्रहरंती मारती हुई दृष्टा, मैंने देखा है किसको, अपने दोनों बेटों को जो अकेला बाघ पूरा खाने के लिए जो झगड़ रहे थे उनको चाटा मारते हुए मैंने खुद देखा है, ऐसा कहता है। तो आगे जम्बुक बोलता है, सियार स्वामिन अरे मालिक यत्रास्ते जहां पर है वह साधुरता
वह धूर्त स्त्री तत्र गम्यताम वहां चलो तब तुम्हारा पुनः तत्र गतस्य आपके वहां पर पुनः जाने पर सम्मुखम अपि सम्मुख भी ईक्षते देखे तो अगर वो स्त्री तुम वहां पर पहुंच जाओगे और ईक्षते देखती भी है तुमको आमना सामना भी करती है तुम्हें सामने से देखती भी है तरही तो त्वया तुम अहम मुझको हंतव्य मार देना तो या हंतव्य तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊं ऐसा वो कहता है। यदि वो स्त्री तुमको आंखों से सामने से देख भी लेगी तो मुझे मार लेना। व्याघ्रह बाघ बोला श्रीगाल अरे सियार यदि तुम माम तुम मुझको मुक्तवा छोड़कर यासी जाते हो तदा फिर उस समय बेला अपि अवेला बेलाप्य बेला समय भी असमय हो जाएगा स्यात यानी हो जाएगा। बाघ सियार को थोड़ा डांटते हुए धमकाते हुए बोलता है देखो भाग जाओगे तो बेला अपि अवेला स्यात समय भी असमय हो जाएगा ध्यान रखना तुमको तो खत्म कर ही दूंगा मैं तुमको तो मार ही दूंगा मैं ऐसे सियार को डांटा। जम्बूक सियार बोला यदि एवं तरही अगर आप ऐसा मानते हो या ऐसी बात है तरही तो तुम माम निज गले अपने गले में बद्धुआ बांध कर चलो सत्वरम बहुत जल्दी से यदि आपको ऐसा डर लगता है तो मुझे अपने गले में बांध कर चलो ऐसा सियार ने बाघ को कहा। सह व्याघ्रह तथा कृत्वा उस बाघ ने क्या किया वैसा ही किया यानी अपने गले में एक रस्सी फंसा ली और सियार के गले में भी एक रस्सी फंसाई और चल पड़ा। श्रीगालेन सहितम श्रीगाल यानी लोमड़ी के साथ पुनः आयांतम पुनरायांतम फिर से आते हुए व्याघ्रम बाघ को दूरात दूर से दृष्टवा देखकर बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती सोचने लगी। फिर से उसने सोचा क्योंकि देखो अपनी बुद्धि से सोचना विचारना ये करते हैं तो बड़ा अच्छा निर्णय हम निकाल सकते हैं। जम्बूक कृत उत्साहात जम्बूक कृतोत्साहात यहां भी गुण संधि है देखो जम्बूक के द्वारा सियार के द्वारा उत्साहित कराया हुआ व्याघ्रात इस बाघ से कथम कैसे मुच्यताम मुक्त हुआ जाए कैसे छूटा जाए ऐसा सोचने लगी। सा वह बुद्धिमती जम्बूकम आक्षिपंत्या उस बुद्धिमती स्त्री ने अब के क्या किया जम्बूकम यानी सियार को आक्षिपंत्या इशारा करते हुए दिखाती हुई अंगुल्या अंगुली से तर्जयंती डांटती हुई वाच बोली देखो अब के उसने बाघ को नहीं डांटा या अपने बच्चे को भी नहीं मारा उल्टा क्या किया जिसने इसको भड़काया था बाघ को उसी सियार को अंगुली से दिखाते हुए डांटती हुई बोली क्या बोली रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना रे रे अरे धूर्त अरे ठग त्वया दत्तम तुमने दिया मह्यम मुझको व्याघ्र त्रयम तीन बाघ पुरा पहले विश्वास्याद्यैकमानीय विश्वास्य अद्य एकम आनीय यहाँ पर चार शब्द हैं विश्वास्य विश्वास्याद्य यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है अद्य और एकम में यहाँ पर वृद्धि संधि है और एकम और आनीय में संयोग है क्योंकि मो में आ आकर जुड़ गया है यहाँ पर कोई संधि नहीं है तो विश्वास करके अद्य का मतलब आज एक एक बाघ को आनीय लेकर कथम यासी कथम आ रहे हो बदाधुना यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ संधि है ऐसे उसने डांटा यानी तुमने तो पहले मुझको तीन बाघ दिए थे एक मैं खाती थी दो मेरे बेटे खाते थे आज तुम अकेले बाघ को लेके आ रहे हो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ऐसे उसने डांटा। तो इत्युक्त्वा दूसरा वाला श्लोक देखो इनके है ना अन्वय को भी आप देख सकते हो अन्वय को देखोगे तो मैंने जो शब्दार्थ कहे वो शब्दार्थ आपको बिल्कुल सिक्वेंस में बनेंगे जैसे रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र त्रयम् दत्तम् अरे धूर्त तुमने मुझको पहले तीन बाघ दिया था विश्वास्य आज विश्वास करके एकम आनीय एक लाकर कथम यासि कैसे आते हो इति अधुना वद ऐसा मुझको अभी बताओ यानी इसका उत्तर मुझे अभी दो ऐसे डांटा। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम
व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर धाविता दौड़ी। तूर्णम बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से, व्याघ्रमारी वह बाघ मारने वाली स्त्री भयंकरा भयंकर तेजी से, व्याघ्रोपि बाघ भी सहसा वहां से अचानक नष्ट नष्ट हो गया, गायब हो गया, लुप्त हो गया। गलबद्ध श्रृगालक, वह बाघ कैसा है? गलबद्ध, गले में बंधा हुआ है। श्रृगालक, जिसके गले में शियार बंधा हुआ था, ऐसा बाघ वहां से भयंकर तेजी से भागते हुए चल पड़ा। इसका भी देखो अन्वय है नीचे। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर भयंकरा भयंकर व्याघ्रमारी बाघ मारने वाले तूर्णम धाविता बहुत तेजी से दौड़ पड़ी। गलबद्ध श्रृगालक, गले में बंधा हुआ श्रृगाल है जिसका, ऐसा व्याघ्र बाघ भी सहसा अचानक नष्ट गायब हो गया। देखो इसके बाद आगे देखते हैं। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती, बुद्धिमती नाम की स्त्री व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र से उत्पन्न भय से पुनरपि मुक्ता अभवत, पुनः अपि मुक्ता अभवत, फिर से मुक्त हो गई। क्यों? क्योंकि अब के उसने दूसरा चाल चला। दूसरे चाल चलने से बाघ और डर गया और सियार को घसीटता हुआ वहां से दौड़ पड़ा, भाग पड़ा। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती, बुद्धि बलवती है सदा, यानी सदा सर्वदा बुद्धि ही बलवती होती है। बलवान कितना भी शरीर से ताकतवर कोई हो, किंतु बुद्धि से जो ताकतवर है उसके सामने शरीर का ताकत ताकत नहीं रह जाता। इसलिए बुद्धि का, विवेक का उपयोग करना चाहिए। विवेक से, बुद्धि से यदि हम काम करेंगे तो सदा सर्वदा विजय हमारी ही होगी, हम ही जीतेंगे, ऐसा इस कथा का सार है। इस कथा के सार के साथ आज हम आप लोगों से सबसे विदा लेते हैं। अब हम इस पाठ के अभ्यास भाग के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।